राम राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल तकचन खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही पौष्टिक चीला, इसका नाम है आटे का चीला। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है खाने में। और जिसके लिए हमने ये दो तीन टमाटर लिए जिनको बारीक बारीक काट लिया है, दो तीन प्याज इनको हमने बारीक काट लिया है, दो तीन हरी मिर्च। तो आओ बनाते हैं चीला, जो नाश्ता बहुत ही अच्छा होता है इसका। इसके लिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें, इससे कलर अच्छा आएगा। आधी चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, एक चम्मच नमक, इसका हम घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और पेस्ट बना लेंगे। ज्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाएंगे, ना ही ज्यादा पतला बनाएंगे, मीडियम पेस्ट रखेंगे हम अपना। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से घोल लेंगे इसको हम इस तरह से। और पानी ऐड करेंगे, आटे को हमने अच्छे से घोल लिया है, इसमें अपने डाल देंगे प्याज टमाटर हमने काटे हैं, इसको अच्छे से घोल लेंगे। ये हमारा आरसीएम का आटा है जो बहुत ही अच्छा होता है, फाइबर युक्त होता है। घोल के 10 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम अपने चीला बनाएंगे। तो हमारा घोल तैयार हो गया है, हमें इसे आधा घंटा हो गया रखे। अब तैयार करते हैं हम अपने चीला। गैस ऑन कर दिया हमने, अभी गैस धीमी हमारी, इस पर हम लगा देंगे आरसीएम का राइस ब्रांड ऑयल। अच्छे से इसको ऐसे कर देंगे ब्रश से, गैस को मीडियम कर देंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। हमारी तरफ से सिक गया है, तो इसमें आटा नजर नहीं आ रहा है, इसको हम पलट देंगे। इस तरह हो जाए तो आप इसको पलट सकते हैं। इसको सिकने देंगे धीमी धीमी आंच पर कि अच्छे से सिक जाए अंदर तक, कच्चा ना रहे हमारा। तो इसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे और इसको हम पलट देंगे। ये हमारा सिक गया दूसरी तरफ से भी, कितना प्यारा कलर आया आप देख रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये आप बच्चों के लिए नाश्ता सुबह के लिए बना सकते हो, जिसे बच्चों को खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसको इस तरह दो तीन बार पलट दें, ये हमारा तैयार हो गया चीला। इसको हम निकाल लेंगे, इसी तरह हम सारे चीले तैयार करेंगे अपने। तो हमारे हो गए आटे के चीले तैयार। आप भी अपने घर पे इस तरह की रेसिपी बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। राम राम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, लेते हैं विदा आपसे।